ये 6 घंटे में चार्ज होती है और 80 किलोमीटर सफ़र करती है। इसकी टॉप स्पीड, इसकी टॉप स्पीड है 70। अच्छा 70, इसमें डिग्गी वगैरह और बाकी ये चोरी ना हो जाए क्या इसमें? शुक्रिया। आए सर आपको दिखाऊँ मैं आपको। 5 घंटे में चार्ज होगी, 40 किलोमीटर चलेगी। अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो इसमें पैडल भी हैं। ये बेसिकली बच्चों के लिए बनाई गई है ताकि बच्चे सोसाइटी में घूमें या अगर कोई बच्चे सामान लेने जा रहे हैं उसके लिए ये बेहतर है। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल गुमर। नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल की दिन ब दिन बढ़ती कीमतों के पेश नज़र आजकल पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ और बाइक का जो है रिवाज वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ही हम मौजूद हैं मुल्तान में एक शोरूम पर, जहाँ पर आप मेरे अकम में देख सकते हैं बहुत सारी स्कूटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, बाइक्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी की सारी आपको स्कूटीज़ ही स्कूटीज़ आपको नज़र आएंगी, पीछे हर तरह का मॉडल आपको नज़र आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर शहज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर इनसे बात करेंगे, जानेंगे कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं और इनकी प्राइस रेंज क्या क्या है, तो अभी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर। शहज़ाद बहुत सारी आपके पास बाइक्स खड़ी हुई हैं अच्छी भले, काफ़ी सारे मॉडल हम देखने को मिले, तीन एक ऐसे मॉडल बताएं जो सब ज़्यादा सेल हो रहे हैं, ठीक है, और उनके बारे में उनके खसूसियात बताएं कि क्या क्या खसूसियात हैं। सर जो लो प्राइस में मॉडल है वो निसा है पड़ी, और जो उससे हाई है वो है पड़ी जेन जी, और जो सबसे हाई है वो है पड़ी सीवन एयर। सबसे पहले कौन सी दिखाएंगे आप? सर हम आपको दिखाएंगे सीवन निसा। सर ये सीवन निसा मॉडल है, ठीक है, और ये 6 घंटे में चार्ज होती है और 80 किलोमीटर सफ़र करती है। अच्छा ये बताएं कि ये 6 घंटे में चार्ज होती है, इसकी टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड सर 55। अच्छा 55 के ऊपर नहीं जाती है? नहीं सर। अच्छा इनकी मेंटेनेंस क्या है ये टोटल जो व्हीकल है? सर कुछ भी नहीं है, ना इसमें मोबिल ऑयल है, ना फिल्टर है, ना चैन है, ना ट्यूनिंग है। अच्छा इसके जो टायर होते हैं ट्यूबलेस होते हैं? यस सर। अच्छा ट्यूबलेस जी। अच्छा ये बताएं कि ये टोटल अगर बिजली का खर्चा आएगा कितनी कॉस्टिंग आएगी? एक चार्ज, एक चार्ज में 2 यूनिट लेगी, 6 घंटे में चार्ज होगी, और 2 यूनिट लेगी तो 2 यूनिट लेने के बाद ये आपको देगी 80 किलोमीटर एवरेज। अच्छा टोटल इसकी रेंज 80 किलोमीटर हो जाएगी। अच्छा इसकी कोई स्पेयर बैटरीज भी आती हैं कि जैसे अगर बंदा लंबे सफ़र पे जा रहा है? पहले इसमें 5 बैटरियां जो लगी हुई हैं ना, पहले इसमें 5 लगी हुई हैं, इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा बैटरी नहीं दे सकते। अच्छा और इसका मॉडल आपने कौन क्या बताया इसका? सीवन निसा। सीवन निसा नाज़रीन ये मॉडल है, इसकी टॉप स्पीड 80 है, 55 आपने बताई जी, इसकी टॉप स्पीड 55 है, 80 किलोमीटर की ये रेंज है, 2 यूनिट में ये चार्ज होती है और 6 घंटे में इस ये टोटल चार्ज हो जाती है। ये बताएं ये कौन सा मॉडल है? सर ये सीवन एयर मॉडल है, ये भी 6 घंटे में चार्ज होगा, 160 किलोमीटर सफ़र करेगा। 6 घंटे में चार्ज होता है, 160 किलोमीटर सफ़र करेगा। इसकी टॉप स्पीड क्या है? इसकी टॉप स्पीड है 70। अच्छा 70, इसमें डिग्गी वगैरह और बाकी ये चोरी ना हो जाए क्या इसमें खसूसियात? आए सर आपको दिखाऊं मैं आपको। सर एक तो इसमें रिमोट लॉक है जिसकी वजह से ये इसका व्हील लॉक हो गया, ठीक है, ये अब व्हील लॉक है इसमें, अब ये अलार्म चल पड़ा है, ठीक है, इसकी वजह से ये है कि इसकी मोटर जो है ना वो काम नहीं करेगी, अगर कोई खींच के भी लेके जा रहा तो मोटर काम नहीं करेगी। और दूसरा इसमें हैंडल लॉक भी है, और जो इसका प्राइवेसी है इसमें ब्रेकर भी लगा हुआ है, ठीक है, वो आप ब्रेकर बंद करेंगे उसकी वजह से भी गाड़ी नहीं चलेगी। चोर सो जी। अच्छा जैसे कोई जा रहा होता है बंदा, ठीक है, कोई सब्जी वगैरह कोई दूसरी है, उसके लिए क्या है कोई कंपार्टमेंट वगैरह है इसमें? जी सर है पड़ी है देहाती खान में, ये इसमें डिग्गी है, ठीक है, आप जो भी ख़रीदारी करने जा रहे हैं, जो भी चीज़ लेने जा रहे हैं, तो वो आपके लिए ये चीज़ बेहतर है, होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर सामान बाइक में तो चलो हैंडल पे लटका देते हैं, ये स्कूटर है इसकी वजह से इन्होंने ना स्पेस दी हुई है इनकी, तो ये चीज़ शायद ना मिले लेकिन लेनी चाहिए, लेडीज़ के लिए बेहतर है ये, जेंट्स भी बेहतर है। ज़्यादातर लेडीज़ खरीद रही हैं या जेंट्स? ज़्यादातर लेडीज़ खरीद रही हैं। लेडीज़ खरीद जी। अच्छा ये हो गया कौन सा मॉडल? सीवन एयर। सीवन एयर मॉडल है नाज़रीन, और वो निसा जो है वो के नाम से वो मॉडल है, दोनों की आपको टॉप स्पीड दिखाई। अच्छा बच्चे अगर कोई लेना चाहे, बच्चे को शौक चढ़ गया है तो उसके लिए कौन सी है? ये निसा बेहतर है। अच्छा और वो जो फ्लिपर है आप उसके बारे में क्या? फ्लिपर भी आपको दिखाते हैं शहज़ाद, ये फ्लिपर है इसकी बताइएगा इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या? सर ये भी 5 घंटे में चार्ज होगी, 40 किलोमीटर चलेगी, अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो इसमें पैडल भी हैं। ये बेसिकली बच्चों के लिए बनाई गई है ताकि बच्चे सोसाइटी में घूमें या अगर कोई बच्चे सामान लेने जा रहे हैं उसके लिए ये बेहतर है।
अच्छा, मतलब कि नाज़रीन आपने देखा होगा कि इसके अंदर पैडल्स भी मौजूद हैं, अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए तो साइकिल की तरह भी इसको चला सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड सर मैक्सिमम है इसकी 40। अच्छा 40 है, और ये कितना यूनिट लेती है और कितनी रेंज है? 1 से 1.5 यूनिट। 1 से 1.5, रेंज इसकी है 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर, दो बंदे नाज़रीन इस पर सुकून से बैठ सकते हैं, ये बच्चे जो है चला सकते हैं, जो बच्चे सब्ज़ी लेने जाएँ या घर का सामान लेने जाएँ वो इस पर जा सकते हैं, स्कूल भी जा सकते हैं, और वो अपना बैग वगैरह भी रख सकते हैं। कंपार्टमेंट इसमें है लेकिन छोटा सा है। अच्छा, और बताएं इसके बारे में, इसकी कोई और खसूसियात बताएं। सर और तो कुछ भी नहीं है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं ये बच्चों के लिए बेहतरीन है, ये है कि गिरने का ख़तरा नहीं है, सिर्फ इसमें एक्सीलेटर ही होता है और तो कुछ भी नहीं है। बच्चों कोई स्कूटी ना लेना चाहे, इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहे, उसके लिए क्या चाहिए? अगर तो मर्द हजरात ने लेनी है तो फिर उनके लिए ये बाइक बेहतर है सर। MS जगवार कंपनी है, टॉप पे जा रही है आजकल, तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। वारंटी इसकी 3 साल है, बैटरी की, मोटर की 1 साल है। अच्छा, इसकी टॉप स्पीड क्या है? इसकी टॉप स्पीड मैक्सिमम है 60 से 70। 60 से 70 जी, ठीक है। और ये रेंज कितनी है इसकी? रेंज सर 127 किलोमीटर। 127 जी। इसकी भी मेंटेनेंस नहीं है जैसे? नहीं, जीरो मेंटेनेंस, जीरो। अच्छा, पार्ट्स वगैरह इसके मिल जाते हैं? हर चीज़ सर, आम बाइक है ये, इसमें जो ख़ास है वो मोटर है या बैटरी है, वो आपको हमारे से मिलेगी, बाकी इसका जो पार्ट्स है वो आपको कहीं किसी भी दुकान से मिल जाएगा। अच्छा, किसी भी दुकान जी। और इसकी प्राइस क्या? प्राइस सर 2,40,000 है। 2 लाख? ये आप नेट पे भी देखेंगे तब भी वहाँ पे भी यही प्राइस नजर आएगी आपको। अच्छा, मौके पे कुछ थोड़ा बहुत आप रिबेट देते हैं लोगों को या? सर हो जाता है, मजीद हो जाता है। अच्छा, हो जाता है, कोई लेने आए तो उसको आप कंसेशन दे? हो जाता है। अच्छा, एक ये बताइए, दूसरी ये बताइए, जो सबसे पहले आपने निशा दिखाई उसकी क्या प्राइस है? उसकी प्राइस सर 1,55 है। 1,55 जी। और दूसरी C1 Air की जो प्राइस है वो सर 3 लाख है, ठीक है। जो फ्लिपर है उसकी प्राइस है 88,000 जी। अच्छा, ये बताएं कि जब से ये इलेक्ट्रिक बाइक्स आई हैं दूसरी बाइक्स की सेल में कमी आई है? जी सर, पहले हमारी जो सेल थी महीने की तकरीबन 3-4, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सर डेली की 3-4 बाइकें सेल कर रहे हैं। डेली की 3-4 बाइक्स आपकी सेल? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ की कंपनी है बेसिकली? और जो MS जगवार कंपनी है वो है बड़ी साहिवाल की, और जो EV कंपनी है वो है बड़ी लाहौर की। पार्ट्स इनका इम्पोर्ट हो रहा है सर, और जो असम्बलिंग है वो पाकिस्तान में हो रही है। अच्छा, असम्बलिंग सारी लाहौर में, पाकिस्तान में हो रही है, पार्ट्स बाहर से? जी, बाहर से। एक अच्छी चीज़ है, इनिशिएटिव है, जो पेट्रोल की प्राइसेस से तंग आ चुके हैं और जिनका बाइक का यूजेज ज़्यादा है उनके लिए बेहतरीन है, फीमेल यूज़ कर सकती हैं। और आज ये है कि अगर आप यहाँ पे लेने आएंगे तो मौके पे आपको कंसेशन भी मिल जाएगी। मज़ीद कोई भी क्यूरी होगी तो आपको नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हवान रब्ता करके वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियाल घुमन को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।